श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने अपने फॉर्म में होने के सबूत दे दिए हैं। टीम इंडिया के चार बल्लेबाजों ने इंट्रा स्क्वाड मैच में अर्धशतक ठोके हैं। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, मनीष पांडे और ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक जड़े। पृथ्वी शॉ ने सबसे ज्यादा 84 रनों की पारी खेली, वहीं हार्दिक पांड्या ने 79 रन बनाए। मनीष पांडे ने भी 53 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 75 रनों की पारी खेल अपने वनडे डेब्यू का दावा ठोक दिया है। इंटर स्क्वाड मैच में ईशान किशन फ्लॉप रहे और उन्होंने खाता तक नहीं खोला। वहीं बाएं हाथ के ओपनर देवदत्त पाटिकल को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। पाटिकल ने 34 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी शुरुआत के बाद अपना विकेट गंवा दिया। सूर्य कुमार ने 35 रन बनाए। इंटर स्क्वाड मैच में 75 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे सीरीज के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उनकी बल्लेबाजी ने कोच राहुल द्रविड़ को जरूर इम्प्रेस किया होगा। बता दें कि हेड कोच राहुल द्रविड़ इंडिया ए टीम से ही इस खिलाड़ी के टैलेंट को जानते हैं। ऐसे में गायकवाड़ का वनडे डेब्यू का सपना पूरा हो सकता है। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में अच्छी फॉर्म दिखाकर टीम इंडिया को खुशखबरी दी। आईपीएल 2021 के स्थगित होने तक पांड्या का बल्ला खामोश था। वो इंटर स्क्वाड मैच में पांड्या ने गेंदबाजी भी की है और ऐसा माना जा रहा है कि वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर ही खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 13 जुलाई से होना है। इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। टीम की कमान शिखर धवन के हाथों में, वहीं हेड कोच की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ संभाल रहे हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास पूरा मौका है अपना जौहर दिखाने का और अपनी काबिलियत को पूरे तरीके से दुनिया के सामने दिखाने का। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।